नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय 2024 में सभी राशियों वालों के लिए, आज तो मेष राशि का मैं बना रहा हूँ, सभी राशि वालों के लिए गुरु का क्या रिजल्ट्स होगा डेट बाय डेट। गुरु किस तारीख से किस तारीख तक क्या रिजल्ट देंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो गुरु बकरी हैं और 31 दिसंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे, यानी 1 तारीख को गुरु मार्गी रहेंगे। तो पूरे 2024 तक बृहस्पति देव, जो देवताओं के देव हैं, देवताओं के गुरु हैं, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव का क्या प्रभाव होगा इसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन। सबसे पहले मेष राशि पर बृहस्पति देव का 2024 में क्या प्रभाव होगा। अब हम देखते हैं कि 2024 में सोमवार का दिन है और बृहस्पति देव 31 दिसंबर को ही बकरी से मार्गी हो जाएंगे। मेष राशि में बृहस्पति देव रहेंगे और बृहस्पति देव केतु के नक्षत्र में रहेंगे। केतु कन्या राशि में बैठे हुए रहेंगे आपके छठे भाव में, और केतु चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में केतु रहेंगे। काफी धार्मिक रहेंगे आप। 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2024 तक धर्म में काफी आस्था होगी आपके, विदेश जाने का अच्छा योग मिलेगा, संचार माध्यम से काम करने वाले को काफी लाभ होने जा रहा है। तो 1 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक बृहस्पति देव आपको काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। आमदनी की स्थिति अच्छी रहेगी, खर्च का आलम कम रहेगा, काम धाम में वृद्धि होगी। बुध इस समय बैठे हुए रहेंगे आपके अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि में रहेंगे, अब बुध रेट्रोगेट रहेंगे। अब बुध देव अष्टम भाव में आपको काफी, जो रिसर्च करते हैं उनको काफी लाभ देंगे। तो 1 जनवरी से 6 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से आलसी आप रहेंगे तो आलस पे थोड़े से कंट्रोल करें, काम धाम में काफी लाभ मिलेगा आपको। अब 6 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक, अब 6 जनवरी से हम देखते हैं 3 फरवरी 2024 तक बुध का रेट्रोगेशन खत्म हो जाएगा। बुध का जो बुध बकरी है उनका रेट्रोगेशन खत्म हो जाएगा और बुध इस समय ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, अष्टम भाव में ही आपके रहेंगे। थोड़े से स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, जो रिसर्च करते हैं आपके लिए काफी अच्छा समय होगा, संचार माध्यम से काम करने वाले के लिए काफी अच्छा समय होगा। बुध आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध देव 8 जनवरी 2024 को आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे और नवम भाव धनु राशि है, बुध केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। विदेश से काफी अच्छे लाभ मिलने वाले हैं आपको। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें काफी लाभ होगा, जो व्यक्ति बैंकिंग सेवा में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके लिए काफी अच्छा समय होगा। हर तरफ से ये समय काफी अच्छा होगा। अब 3 फरवरी 2024 को बृहस्पति देव चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में जाएंगे और मेष राशि में ही रहेंगे। शुक्र आपके कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी है, शुक्र आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के स्वामी है और शुक्रदेव इस समय बैठे हुए रहेंगे आपके धनु राशि में। शुक्रदेव इस समय धनु राशि में रहेंगे और शुक्रदेव शुक्र के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो ये समय आपके लिए 3 फरवरी 2024 से
काफी अच्छा समय होगा, घूमने फिरने का लंबा प्रोग्राम बनावेंगे, महिलाओं से लाभ होगा, जीवन साथी से आपको लाभ होने जा रहा है, पैटर्नल प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, जो फिल्मों में काम करते हैं काफी अच्छा समय होगा। तो 3 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। नए गाड़ी खरीद सकते हैं आप, भाग आपका प्रबल रहेगा, बड़ा ही अच्छा समय बृहस्पति देव का, ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आपको होंगे, हर तरफ से आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। अब हम देखते हैं कि 21 फरवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 तक का समय आपके लिए क्या रहेगा। ये समय कर्म के क्षेत्र में काफी वृद्धि होंगे, आपके पिता से आपको काफी लाभ मिलने वाला है, जो सरकारी नौकरी करते हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर समय होगा, हर तरह से ये समय आपके लिए लाभप्रद है। जो दवा के व्यापारी हैं आपके लिए शानदार समय होगा। तो ये समय 21 फरवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 तक का समय बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 24 फरवरी 2024 से लेके 2 मार्च 2024 के बीच में 24 फरवरी को चंद्रदेव रहेंगे आपके अपने ही राशि में, चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में रहेंगे। अब बृहस्पति देव आपके शुक्र के ही नक्षत्र में रहेंगे। ये समय आपके लिए काफी अच्छा समय होगा, माता से आपको लाभ होगा, साथ ही साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा, संतान के दूर जाने की संभावनाएं प्रबल हैं, संतान के विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो संतान के लिए ये समय 24 फरवरी 2024 से लेकर 2 मार्च 2024 तक का समय बहुत ही अच्छा होगा, ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। अब देखते हैं कि 2 मार्च 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो 2 मार्च 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक का समय, ये समय खास करके जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, पुलिस सेवा में काम करते हैं, आपके लिए समय अच्छा होगा। इस समय मंगल देव आपके दशम भाव में बैठे हुए रहेंगे। मंगल आपके सर्वश्रेष्ठ ग्रह हैं, मंगल लग्नेश हैं और दशम भाव में मंगल उच्च के हैं, तो पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, पुलिस सेवक को काफी मदद मिलेंगे। मंगल और बृहस्पति मित्र हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। 2 मार्च 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब 6 मार्च 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 के बीच का समय, ये समय दाम्पत्य जीवन से थोड़े से परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति लिविंग रिलेशन में रहते हैं आपके लिए काफी बुरा समय होगा। जो फिल्मों में काम करते हैं बिचौलियों से बचने होंगे आपको। राहु देव इस समय रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे, बुध के नक्षत्र में ही रहेंगे, तो ये समय आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं होगा। 6 मार्च 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 के बीच का समय, हालांकि संचार माध्यम से लाभ होने की संभावनाएं हैं, बृहस्पति देव की दृष्टि आपके पंचम सप्तम और नवम पर पड़ रही है, तो संचार माध्यम से आपको लाभ होगा, संतान से आपको लाभ होगा, संतान विदेश जा सकते हैं, लेकिन ये समय उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं। जो व्यक्ति अनैतिक कार्य में रत हैं आपके लिए समय कहीं से अच्छा नहीं होगा। अब 18 मार्च से देखते हैं हम, 18 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 के बीच का समय बड़ा ही शानदार समय है आपका। इस समय गाढ़वें स्थान पर आपके शुक्र रहेंगे, शनि रहेंगे और मंगल की भी युक्ति रहेगी। शुक्र शनि का आपस में बहुत ही अच्छा संबंध है, हालांकि मंगल का डिस्टेंस थोड़ा सा शनि से ज्यादा होगा। मंगल इस समय होंगे आपके कम से कम 6 डिग्री पर और शनि रहेंगे आपके 18 डिग्री पर, तो डिस्टेंस रहेगा दोनों में। ये समय आपके आय के लिए सबसे अच्छा समय है।
फिल्मों में काम करने वाले को आया होगा, जो माइंस ऑफ मिनरल्स का काम करते हैं उनको आया होगा, जो दवा का काम करते हैं आपको आया होगा। हालांकि सूर्यदेव इस समय आपके बाड़मेर में बैठे रहेंगे और खरमास का भी समय रहेगा क्योंकि सूर्य मीन राशि में रहेंगे, तो बहुत मांगलिक कार्य इस समय बंद रहेंगे आपके। प्रशासनिक अधिकारी के लिए अच्छा समय नहीं होगा, लेकिन जो महिला प्रशासनिक अधिकारी हैं आपके लिए इस समय काफी अच्छा होने जा रहा है। ये समय बहुत ही लाजवाब समय है। बृहस्पति देव काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे, हर तरफ से बृहस्पति देव आपको लाभ देंगे। अब 26 मार्च 2024 से 5 मई 2024 के बीच में, इसी बीच में 31 मार्च को सूर्यदेव ट्रांजिट करके उच्च के हो जाएंगे, जो आपके बाढ़ में भाव में रहेंगे। शनि और मंगल की युक्ति रहेगी, पुलिस सेवक को काफी मदद मिलेगा, जो स्टोन चिप्स के कारोबारी हैं, जो माइंस मिनरल्स के कारोबारी हैं आपके लिए काफी लाभ का समय होगा, जो दवा के कारोबारी हैं आपके लिए काफी लाभ का समय होगा, जो फिल्मों में काम करते हैं, चूंकि शुक्रदेव उच्च के रहेंगे आपके बाढ़ में भाव में मीन राशि में, और शुक्रदेव शुरुआत में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, तो थोड़े से स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य भी इस समय आपके बाढ़ में भाव में ही रहेंगे और सूर्य बुध के नक्षत्र में रहेंगे और बुध ट्रांजिट करके आपके लग्न में चले जाएंगे। काफी बुद्धिमान रहेंगे इस समय 26 मार्च 2024 से 5 अप्रैल 2024 के बीच में, बुद्धि की प्रकाष्ठा रहेगी आपको। काफी धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक स्थान की यात्राएं करेंगे, संतान को काफी लाभ होने जा रहा है, संतान विदेश जा सकते हैं, आप भी विदेश जा सकते हैं, फिल्मों में काम करने वाले को काफी लाभ होने जा रहा है, लेकिन खर्च आपके काफी बढ़े हुए रहेंगे, खर्च से तालमेल आपको बैठाना होगा। अब हम आते हैं 5 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अप्रैल 2024 के बीच में। 5 अप्रैल को चंद्रदेव भी रहेंगे आपके गाढ़मय स्थान पर, मंगल भी आपके गाढ़मय स्थान पर रहेंगे, मंगल चंद्रमा शानदार बनाए हुए हैं लक्ष्मी योग, शनि भी आपके गाढ़मय स्थान पर रहेंगे, शुक्र आपके बाढ़मय स्थान पर रहेंगे, राहु आपके बाढ़मय स्थान पर रहेंगे, सूर्यदेव आपके बाढ़मय स्थान पर रहेंगे, बुध बकरी हो जाएंगे इस समय लग्न में, बुध बकरी हो जाएंगे। बुध आपके घनिष्ठ बुध देव आपके अश्विनी नक्षत्र में ही रहेंगे। ये समय धन दौलत के लिए शानदार समय है, पैटर्नल प्रॉपर्टी से जबरदस्त लाभ होगा, विदेश से आपको लाभ होगा, संचार माध्यम से लाभ होगा, जो पुलिस सेवा में है सेना में है आपके लिए बेहतर समय होगा। 5 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अप्रैल 2024 के बीच में काफी अच्छा समय है, लेकिन ध्यान देने की एक बात है, कन्या संतान से आपको कुछ प्रॉब्लम होने जा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे इस समय। बृहस्पति देव हालांकि काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, तो ये समय आपके लिए धन दौलत को जमा करने के लिए, पैटर्न एंड प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए, अच्छे अच्छे वाहन के लिए, जो व्यक्ति जो महिलाएं ब्यूटिक चलाती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, आपके लिए समय काफी अच्छा होगा। अब आते हैं 14 अप्रैल 2024 से लेकर 17 अप्रैल 2024 के बीच में। शत्रुओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है, शत्रु आपको काफी परेशान कर सकते हैं। हालांकि राहु और सूर्य इस समय भी बैठे हुए रहेंगे आपके बाड़मे भाव में, सूर्य ट्रांजिट करके आपके 17 तारीख तक ट्रांजिट करके आपके चले जाएंगे लग्न में मेष राशि में और उच्च के हो जाएंगे। शत्रु परेशान करेंगे लेकिन शत्रु से आप हारेंगे नहीं। ध्यान देने की बात है कि पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा आपका, पराक्रम से आपको काफी लाभ होने वाले हैं, लेकिन झंझट राय से आपको जुडिशियल प्रॉब्लम इस समय होगा। 17 अप्रैल 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक तो इस समय ध्यान देंगे, बृहस्पति का रिजल्ट इस समय आपको अच्छे नहीं मिलने वाले हैं।
इस दरमियान मैं आपको बता दूं कि 17 अप्रैल 2024 से बृहस्पति देव सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य खास करके 28 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 के बीच में सूर्य आपके उच्च के रहेंगे, आपके लग्न पर बृहस्पति देव के साथ रहेंगे और इस समय शुक्रदेव भी आ जाएंगे आपके लग्न पर, यानी 25 अप्रैल 2024 को शुक्र भी आपके लग्न पे आ जाएंगे मेष राशि में। तो बृहस्पति, सूर्य और शुक्र तीनों आपके रहेंगे लग्न में। बृहस्पति इस समय थोड़े से कमजोर स्थिति में हो जाएंगे, 28 डिग्री 38 कला पे हो जाएंगे, तो बृहस्पति थोड़े से कमजोर स्थिति में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य काफी प्रभावशाली इस समय आपके रहेंगे, मान सम्मान में काफी वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, अहम की भावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, महिलाओं से आपको झंझट राय हो सकता है। अब इसी समय राहु आपके 12वें स्थान में है, साथ में बुध हैं, बुध रेट्रोग्रेड हैं 12वें स्थान में मीन राशि में, और बुध देव आपके कुंडली में इस समय रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे, और राहु भी रेवती नक्षत्र में रहेंगे बुध, तो बुद्धि आपका ज्यादा काम नहीं करेगा, अहम की भावनाएं बहुत ज्यादा होंगी आपको। हालांकि विदेश से बृहस्पति देव इस समय लाभ दिलाएंगे आपको, लेकिन ये समय बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति देव का ट्रांजिट फेज भी रहेगा अब 1 मई 2024 से। 1 मई 2024 को बृहस्पति देव चले जाएंगे आपके वृषभ राशि में, यानी आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति देव शुक्र के राशि में चले जाएंगे, हालांकि शुक्र इस समय लग्न में बैठे हुए रहेंगे, आपके राशि पे बैठे हुए रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे, लेकिन शुक्र बृहस्पति का तालमेल अच्छा नहीं है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन शुक्र प्राणदात्री भी हैं। शुक्र आप पर जल्दी मेहरबान हो सकते हैं, बृहस्पति देव जल्दी मेहरबान किसी पे नहीं होते हैं। सत की राह से आप विचलित हुए कि बृहस्पति आपके खराब हो जाएंगे। 1 मई को बृहस्पति देव का ट्रांजिट हो जाएगा और बृहस्पति देव कीर्तिका नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य भी आपके ऊंच के समय रहेंगे, बहुत अच्छा समय रहेगा आपका। बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, झंझट राय से दूर रहनी होगी, जीवन साथी से अलगाव की स्थिति बन सकती है, जीवन साथी से झंझट राय की स्थिति बन सकती है, अनैतिक अफेयर्स में आप इस समय शामिल रह सकते हैं, तो इससे आपको दूर रहनी है। तो बृहस्पति देव का तो ट्रांजिट हो गया आपके दूसरे स्थान पर शुक्र की राशि में, बृहस्पति धन भाव में गए हैं और बृहस्पति देव सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, अच्छी तरह से पैसा कमाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी कर्मचारी के लिए बेहतर से बेहतर समय हो जाएगा, काफी अच्छा समय होगा आपके लिए। यानी 1 मई 2024 से लेकर 6 मई 2024 के बीच का समय आपका बेहतर समय रहेगा। अब 6 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024 के बीच का समय, यह समय भी आपके लिए काफी अच्छा है। बृहस्पति देव की दृष्टि इस समय पंचम दृष्टि आपके शत्रु भाव पर पड़ेंगे, यानी 6ठे स्थान पर पड़ेंगे, तो शत्रु आपके बढ़ सकते हैं लेकिन आपसे जीत नहीं सकते हैं। शुक्रदेव इस समय रहेंगे आपके लग्न में ही रहेंगे, मेष राशि में ही रहेंगे, शुक्र इस समय भरणी नक्षत्र में ही रहेंगे, तो भरणी नक्षत्र में शुक्र आपको पूरे घर को भरेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। तो बृहस्पति का रिजल्ट इस समय 6 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक काफी शानदार होगा। बृहस्पति 6ठे स्थान को देखेंगे, बृहस्पति आपके 8ष्टम स्थान को देखेंगे,
तो अष्टम स्थान को बृहस्पति देखने पर शेयर सट्टा लॉटरी वाले के लिए बड़ा ही अच्छा समय आ जाएगा, अचानक धन का लाभ होगा। अष्टम इस समय जागृत हो जाएंगे आपको और डूबे हुए पैसे आपको मिलने की संभावना होंगे और बृहस्पति आपको डूबे हुए पैसे आपको दिलवाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ेगी, काम क्षेत्र में आपके लिए काफी लाभ का स्थिति आएगा, काम में काफी बढ़ोतरी होगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बड़ा ही अच्छा समय होगा आपका। अब 14 मई 2024 से लेकर 24 मई 2024 तक का समय सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे आपके वृषभ राशि में। सूर्य बहुत करीब रहेंगे आपके बृहस्पति देव के, तो बृहस्पति देव इस समय करीब करीब अस्त हो जाएंगे। सूर्य भी शत्रु गिरी हैं, वाणी में आपकी काफी करुवाहट रहेगी। बृहस्पति देव के अस्त हो जाने से भाग आपका थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा। जो विदेश से काम करते हैं आपके लिए थोड़े से बुरे समय आ जाएंगे, लेकिन जो पुलिस सेवा में है, सेना में है, आपके लिए काफी अच्छा समय होगा। जमीन जायदाद के व्यापारी के लिए समय बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, बृहस्पति देव आपके अच्छे परिणाम नहीं देंगे जमीन जायदाद से। अब 24 मई 2024 से हम 1 जून 2024 के बीच में स्थिति देखते हैं, तो 24 मई 2024 को बृहस्पति बहुत नजदीक रहेंगे सूर्य के, शुक्र भी आ जाएंगे आपके द्वितीय स्थान पर अपने घर में। वाणी में आपकी काफी कठोरता रहेगी, गलत रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है गलत ढंग से पैसे कमाने की सोचेंगे और कमाएंगे। इस समय राहु रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे और बुध रहेंगे आपके लग्न में बैठे हुए, और बुध आपके कुंडली में इस समय शुक्र के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो बुद्धिमान काफी रहेंगे आप, पैसे कमाने में काफी तेज रहेंगे, लेकिन गलत ढंग से पैसे कमाने का परिणाम थोड़े से बुरा हो सकता है आपको। अब देखते हैं 1 जून 2024 से लेकर 4 जून 2024 तक का स्थिति। ये स्थिति शत्रु ज्यादा परेशान आपको कर सकते हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं विदेश ट्रांसफर हो सकता है, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में है, जो सरकारी नौकरी प्रशासनिक नौकरी करते हैं आपका ट्रांसफर पोस्टिंग दूर हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले को कैरियर में थोड़े से धब्बे लग सकते हैं, तो संभल के काम करना है 1 जून 2024 से लेकर 4 जून 2024 के बीच में। बृहस्पति देव अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि सूर्य के साथ बृहस्पति पूर्ण अस्त हो जाएंगे, पूर्ण अस्त, तो भाग भी आपका अस्त हो जाएगा। उस समय भाग भाव में आपके कोई ग्रह नहीं रहेंगे, चंद्रमा आपके अष्टम में बैठे हुए रहेंगे, मन बेचैन काफी रहेगा आपका। तो ये समय आपके लिए 1 जून 2024 से लेकर 4 जून 2024 तक बृहस्पति आपको अच्छे फल नहीं देने जा रहे हैं। ये सारे बात मैं मेष राशि वाले के लिए कर रहा हूं, मैं बारहूं राशि वाले के लिए बृहस्पति का एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम 4 जून 2024 से लेकर 13 जून 2024 के बीच में। बृहस्पति देव का फिर से उदय हो जाएगा, सूर्य आपको चले जाएंगे 16 जून को मिथुन राशि में, और शुक्र का भी ट्रांजिट मिथुन राशि में हो रहा है, बुध का भी ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा। इस समय शुक्र के काफी नजदीक बुध हैं, जो सूर्य के साथ युक्ति बनाए हुए हैं, और शुक्र और बुध दोनों अस्त रहेंगे। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस समय। जो व्यक्ति लिविंग रिलेशन में रहते हैं आपके लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो व्यक्ति विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये समय आपके लिए कहीं से भी अच्छा समय नहीं होगा, कहीं से अच्छा समय नहीं होगा। हर काम को तौल के करनी होगी आपको। अब देखते हैं 13 जून 2024 से लेकर 18 जून 2024 के बीच में बृहस्पति देव चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। बृहस्पति देव चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे और चंद्रमा इस समय आपके सप्तम भाव में बैठे हुए रहेंगे।
साथ ही साथ आपके तृतीय स्थान यानी मिथुन राशि में सूर्य रहेंगे, शुक्र रहेंगे, बुध रहेंगे, सूर्य आपके रहेंगे मंगल के नक्षत्र में, शुक्र रहेंगे आपके राहु के नक्षत्र में और बुध रहेंगे आपके राहु के नक्षत्र में। पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा आपका भाई, बहुत ज्यादा पराक्रमी रहेंगे आप, उल्टे पुल्टे काम करने में माहिर हो जाएंगे, बृहस्पति उल्टे पुल्टे काम आपसे करवा देंगे, राहु आपसे उल्टे पुल्टे काम करा देंगे। अत्यधिक पराक्रमी रहने के कारण कुछ जुडिशियल प्रॉब्लम हो सकता है, गलत काम आप कर सकते हैं, तो इस समय बृहस्पति के रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं होने जा रहे हैं। 13 जून 2024 से लेकर 18 जून 2024 तक बृहस्पति के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है आपके। अब हम देखते हैं 18 जून 2024 से लेकर 22 जून 2024 के बीच का समय। इस समय बृहस्पति देव आपके द्वितीय स्थान में बैठकर चंद्रमा के ही नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा इस समय भाग भाव में आपके रहेंगे, संतान का भाग उदय होगा, आपके थोड़े से स्वास्थ्य में परेशानी होगी, जो पुलिस सेवा में है काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो जमीन जायदाद के काम करते हैं अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो सेना में है काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आपके लिए जबरदस्त समय होगा, बुद्धि आपकी काफी तीव्र रहेगी, संचार माध्यम से लाभ होगा, कमीशन एजेंट को काफी लाभ होगा, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा समय होगा। अब 22 जून 2024 से 1 जुलाई 2024 के बीच में बुध आपके चले आएंगे चतुर्थ स्थान पर, सूर्य आपके पराक्रम भाव में ही रहेंगे, शुक्र भी आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और चंद्रमा द्वितीय स्थान पर चले आएंगे बृहस्पति देव के साथ, शानदार गज के श्री योग लगाएंगे। बृहस्पति देव के इस समय रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलने वाले हैं आपको, धन की किसी तरह से कोई कमी नहीं होगी, धन धान से आप परिपूर्ण रहेंगे, घूमने फिरने का काफी लंबा प्रोग्राम बनेगा, जमीन जायदाद से आपको लाभ होंगे, कुटुंब परिवार से आपको लाभ होने जा रहा है, तो बृहस्पति का रिजल्ट इस समय काफी अच्छा मिलेगा आपको, काफी धन संचित करेंगे आप, ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब 1 जुलाई 2024 से लेकर 9 जुलाई 2024 के बीच में पराक्रम भाव में आपके सूर्य देव ही बैठे हुए रहेंगे, जो पराक्रम को काफी बढ़ावेंगे, विदेश से आपको काफी लाभ दिलावेंगे, सूर्य इस समय बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, भाग आपका काफी प्रबल रहेगा, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन होगा, जो सरकारी काम करते हैं प्रशासनिक सेवा में है आपका प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, शुक्र इस समय चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे आपके कर्क राशि में और शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, माता से आपको काफी लाभ दिलावेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नया जमीन नई गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम बनावेंगे, नए घर खरीदने का प्रोग्राम बनावेंगे, बुद्धि में काफी आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी, जो व्यक्ति विशेष करके इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं आपके लिए समय शानदार होगा, शानदार समय होगा आपके लिए। अब 9 जुलाई 2024 से लेकर 20 जुलाई 2024 के बीच का समय, बृहस्पति देव इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र में रहेंगे और 20 जुलाई को चंद्रमा आपके भाग भाव में गोचर करेंगे, भाग काफी प्रबल रहेंगे आपके, घूमने फिरने का योग बनेगा, सूर्य देव ट्रांजिट करके आपके कर्क राशि में चले आएंगे और सूर्य शनि के नक्षत्र में रहेंगे, शनि देव इस समय रेट्रोगेट रहेंगे आपके ग्यारहवें स्थान पर, तो जो सरकारी सेवा में है थोड़े से आपको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जो गलत ढंग से आय कमाते हैं, दो नंबर का पैसा कमाते हैं, सावधान रहे, आपके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है और यह समय आपके लिए काफी बुरा रहेगा,
तो ये समय कहीं से भी आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा, ये समय काफी बुरा रहेगा। हालांकि गलत ढंग से आप आय कमा सकते हैं, विदेश से भी आपको थोड़े से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जो इंपोर्टर हैं एक्सपोर्टर हैं आपके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। अब 20 जुलाई 2024 से लेकर 30 जुलाई 2024 के बीच में इस समय बुध देव ट्रांजिट करके चले आवेंगे आपके सिंह राशि में, और बुध आपके कुंडली में केतु के नक्षत्र में रहेंगे। केतु छठे भाव में पहले से बैठे हुए हैं, साथ ही साथ बुध का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इस समय। बुध आपके कुंडली में छठे स्थान के स्वामी हैं, बुध आपके कुंडली में तीसरे स्थान के स्वामी हैं, स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने होंगे। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान रखें। कन्या संतान का इस समय काफी उत्थान होगा, घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है, प्रबल है। आपके जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं उनके लिए समय काफी अच्छा होगा, जो लव अफेयर्स में है समय काफी अच्छा होगा। शनि देव लेकिन रेट्रोगेट ही रहेंगे, और शनि देव रेट्रोगेट होके बृहस्पति के ही नक्षत्र में रहेंगे। जितना ज्यादा कर्म करेंगे, पूर्व जन्म की जितनी उधारी है, जिसके जिसके कर्ज लिए हुए हैं आप लौटा दें, अच्छे रिजल्ट होंगे आपको। तो 2 जुलाई 2024 से लेकर 30 जुलाई 2024 के बीच में समय उतना बुरा नहीं रहेगा आपका, समय अच्छा रहेगा। बुद्धि काफी तेज काम करेंगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है लाभ होगा, जो कमीशन एजेंट में है लाभ होगा, जो स्कूल का व्यापार करते हैं लाभ होगा, तो लाभ होने का समय है आपका। बृहस्पति काफी अच्छे रिजल्ट आपको देंगे इस समय। अब हम आते हैं 30 जुलाई 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 के बीच में मंगलदेव चले आवेंगे वृषभ राशि में, बृहस्पति के साथ हो जाएंगे। मंगल भी प्रबल योग कारक ग्रह हैं आपके, लग्नेशी हैं, लेकिन मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हैं आपके, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुटुंब परिवार से थोड़े से आपको मतभेद हो सकते हैं, जमीन जायदाद को लेकर थोड़े से आपको मतभेद 30 जुलाई 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 के बीच में रहेगा। यात्रा का योग है, शत्रु थोड़े से प्रबल रहेंगे आपके, शत्रुओं से थोड़े से बच के रहना है, संचार माध्यम से भी थोड़े से नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। अब देखते हैं 30 अगस्त 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 के बीच में का समय। शुक्रदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देंगे शुक्र। जीवन साथी से काफी अच्छे संबंध रहेंगे, इसके अलावा कुछ अनैतिक संबंध में आप लिप्त रहेंगे तो उससे आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो 3 अगस्त 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 के बीच में सूर्य का भी ट्रांजिट हो जाएगा अपने घर में सिंह राशि में, मान सम्मान आपका काफी बढ़ेगा, संतान का मान सम्मान काफी बढ़ेगा, जिनके संतान बेरोजगार हैं रोजगार मिलेगा, प्रशासनिक सेवा से आपको लाभ होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। भाग्य आपका काफी प्रबल रहेगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको काफी लाभ होगा, जो विद्युत उपकरण का काम करते हैं काफी लाभ होगा। अब 16 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 के बीच में हम आते हैं। सूर्यदेव तो रहेंगे आपके पंचम स्थान में ही अपने राशि में, मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा आपके तृतीय स्थान पर, बृहस्पति देव द्वितीय स्थान में ही रहेंगे, और बृहस्पति देव इस समय मंगल के नक्षत्र में चले आएंगे। 28 अगस्त 2024 से बृहस्पति देव मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चले आएंगे, तो 22 अगस्त 2024 से लेकर 27 अगस्त 2024 तक का समय आपके लिए बड़ा ही शानदार समय रहेगा। जमीन जायदाद से काफी लाभ होंगे, मान सम्मान की काफी वृद्धि होगी, जो पुलिस सेवा में है सेना में है काफी वृद्धि होगी, आपके लिए काफी शानदार समय रहेगा। यात्रा का योग होगा, विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं, जो लकड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं प्लाईवुड उद्योग से जुड़े हुए हैं आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर तरह से ये समय आपके लिए काफी अच्छा होगा। 27 अगस्त 2024 से लेकर 15 सितंबर 2024 के बीच का समय, विदेश से आपको लाभ होने जा रहे हैं। इस समय राहु रहेंगे आपके बृहस्पति के ही नक्षत्र में, तो विदेश से आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है, लाभ होगा ही लाभ होगा।
जो व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, टेक्नीशियन हैं, स्किल्ड व्यक्ति हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। विदेश में अच्छे जॉब मिलेंगे आपको। इस समय शनि बकरी ही रहेंगे आपके 11th स्थान पर और शनि रहेंगे आपके कुंडली में बृहस्पति के ही नक्षत्र में। हर काम में मेहनत की जरूरत है, मेहनत करेंगे और इनाम आपको मिलेगा ही। पराक्रम चूंकि बढ़ा हुआ रहेगा तो आप काफ़ी मेहनत कस इंसान रहेंगे ही रहेंगे। 16 तारीख को सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे आपके कन्या राशि में 6th स्थान पर, शत्रुओं का समन होगा। हालांकि सूर्य के सामने रहेंगे आपके राहु देव, तो ये आपको थोड़ा सा परेशानी में डालेंगे जुडिशियल प्रॉब्लम वाले के। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके 6th भाव पर पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि 6th भाव पर पड़ रही है तो किसी तरह का कोई चिंता नहीं, हर तरफ से लाभ होगा। यहां भी बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। 15 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच में आपके लिए काफी शानदार समय रहेगा। पराक्रम बढ़े हुए रहेंगे, पुलिस सेवक को काफी लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा। बड़ा ही सुंदर समय रहेगा, बृहस्पति आपको काफी सुंदर समय देंगे, पराक्रम भी आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा। झंझट राय से दूर रहने हैं क्योंकि राहु आपके बारहवें में है और राहु आपके कुंडली में इस समय शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे और शनि रेट्रोग्रेड होकर आपके 11th स्थान में बैठे हुए हैं। तो जुडिशियल प्रॉब्लम से आपको बचना है, जेल तेल जाने से बचना है आपको, थोड़े से घाव वगैरह फोड़ा उड़ा हो सकता है आपको। लेकिन बृहस्पति इस समय भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। 9 अक्टूबर 2024 से बृहस्पति देव मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे और बकरी हो जाएंगे। 15 सितंबर 2024 से 4 नवंबर 2024 के बीच में बकरी रहेंगे बृहस्पति देव, और ये आपका भाग को काफी बढ़ावेंगे, काफी प्रबल रहेंगे बृहस्पति। जमा पूंजी में आपकी बढ़ोतरी होगी, पुण्य के काम ज्यादा करेंगे आप। लेकिन कुटुंब परिवार से आपको झंझट राय होगा जमीन जायदाद को लेकर, क्योंकि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में इस समय रहेंगे। मंगल जमीन जायदाद के कारक होते हैं, तो जमीन जायदाद को लेकर कुटुंब परिवार से आपको मतभेद रहेंगे, जमीन जायदाद को लेकर झंझट हो सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी से काम करना है, गुस्से में नहीं रहना है आपको। 4 नवंबर 2024 से 23 नवंबर 2024 के बीच में मंगल आपके चतुर्थ स्थान में ही गोचर करेंगे और बृहस्पति रेट्रोग्रेड रहेंगे, शनि भी आपके रेट्रोग्रेड रहेंगे, शुक्र आपके अष्टम में बैठे हुए रहेंगे चंद्रमा के साथ, सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो पराक्रम आपका तो काफी बढ़ा हुआ रहेगा। सप्तम भाव में सूर्यदेव आपके राहु के ही नक्षत्र में रहेंगे, थोड़ा सा झूठ उठ ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे आप, गलत ढंग से पैसे कमाने की आपको लत लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी आपको। हालांकि प्रमोशन होने का समय होगा, बृहस्पति देव रेट्रोगेट होकर काफी पावरफुल रहेंगे इस समय। अब 4 नवंबर 2024 से लेकर 23 नवंबर 2024 के बीच में ये समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काफी अच्छा समय होगा आपका, विदेश से आपको काफी लाभ मिलने जा रहा है, संचार माध्यम से काफी लाभ होगा। बृहस्पति इस समय अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन बृहस्पति इस समय बकरी ही रहेंगे। 23 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच में बकरी बृहस्पति मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे और मंगल आपके चतुर्थ स्थान में बैठेंगे, माता के स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। मंगल इस समय शनि के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल से शनि बैठे हुए रहेंगे अष्टम में, सोच समझ के पैसे कमाने की जरूरत है। जमीन जायदाद के काम से आपको इस समय थोड़े से नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। इस समय शनि देव डायरेक्ट हो जाएंगे और शनि देव डायरेक्ट होकर सद्विशा नक्षत्र में ही रहेंगे, विदेश से इस समय आपको लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश जा सकते हैं। लेकिन बृहस्पति देव इस समय रेट्रोगेट ही रख के दूसरे स्थान में आपके बैठे हुए रहेंगे और बृहस्पति देव इस समय मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, मृगशिरा नक्षत्र के, मंगल भी आपके प्रबल योग कारक ग्रह है, लग्नेश ही है मंगल आपके और अष्टम भाव के स्वामी है, शेयर सट्टा लॉटरी से जबरदस्त लाभ हो सकता है। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से इस समय दूर रहे बृहस्पति, शेयर सट्टा लॉटरी को
प्रश्रय नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र इस समय बाप के भाग भाव में बैठे हुए रहेंगे। शुक्र इस समय अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में। तो सिर सट्टा लोटरी से लाभ होगा आपको, फिल्मों में काम करने वाले को लाभ होगा, हर तरफ से लाभ होगा। सिर सट्टा लोटरी जोखिम का विषय, आप अपने विवेक से ही करेंगे। जीवन साथी से काफी लाभ होगा आपको, जीवन साथी से भागोदय होगा, ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, बेहतर समय होगा। अब आते हैं हम 29 नवंबर 2024 से बकरी गुरु, जो गुरु बकरी है, चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे 29 नवंबर 2024 को। 29 नवंबर 2024 से लेके 4 दिसंबर 2024 के बीच में कुटुंब परिवार से थोड़े से अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य से आपको परेशानी हो सकती है, प्रशासनिक अधिकारी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अचानक धन की प्राप्ति होगी आपको। लेकिन इस समय बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। अब 4 दिसंबर 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 के बीच में, 4 दिसंबर को शुक्रदेव का गोचर रहेगा आपके दशम स्थान पर मकर राशि में। 4 दिसंबर को चंद्रदेव आपके भाग भाव में रहेंगे, 5 दिसंबर को ट्रांजिट करके वो भी दशम स्थान में चले जाएंगे। तो 4 दिसंबर 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 के बीच का समय आपके लिए बेहतर से बेहतर समय रहेगा। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नए मकान खरीद सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, व्यापार से जबरदस्त लाभ होगा। जो फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, लाभ ही लाभ है, हर तरफ से लाभ होने की स्थिति बरकरार रहेगी। अब 20 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 के बीच में हम देखते हैं, 20 दिसंबर को शुक्रदेव आपके दशम स्थान में ही रहेंगे मकर राशि में, सूर्यदेव आपके ट्रांजिट करके चले आवेंगे आपके भाग भाव में धनु राशि में, और केतु के ही नक्षत्र में रहेंगे। केतु आपके छठे स्थान में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और केतु इस समय सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे, जो प्रशासनिक सेवक में है, काफी दूर ट्रांसफर में चले जाएंगे, काफी दूर। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो इंडियन फॉरेन सर्विस में आपके लिए समय काफी अच्छा होगा। बृहस्पति तो बकरी रहेंगे ही रहेंगे, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, बृहस्पति धन संचित करने में आपको काफी मदद करेंगे। बृहस्पति इस समय रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करके चले आएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा इस समय आपके रहेंगे सिंह राशि में। संतान से आपको काफी लाभ होगा, विदेश संतान जा सकते हैं, जिनके संतान नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी लगेगी। लेकिन शत्रु आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, शत्रु पर थोड़े से कमांड रखने की कोशिश करें, शत्रुता ज्यादा ना रखें। 27 दिसंबर 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक ये समय माता के स्वास्थ्य पर थोड़े से विशेष ध्यान देने हैं, क्योंकि बुद्धदेव इस समय रहेंगे आपके अष्टम भाव में बैठे हुए, जो रिसर्च करते हैं उनके लिए काफी अच्छा समय होगा। बृहस्पति की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, जो व्यक्ति तंत्र मंत्र करते हैं काफी अच्छा समय रहेगा, बुद्धि काफी आपकी तीव्र रहेगी, शेयर सट्टा लॉटरी से काफी लाभ होने की स्थिति बनती है। तो ये समय आपके लिए बुरा समय नहीं है, काफी अच्छा समय है। तो मेष राशि वाले, पूरे साल बृहस्पति का ट्रांजिट का क्या फल होगा मैंने आपके सामने रख दिया, डेट बाय डेट आप नोट कर लें, मिला लें। अब बृहस्पति अगर जहां जहां अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं पूरे साल, आप बृहस्पति के मंत्रों का जरूर जाप करें, ओम ग्रौम ग्रीम ग्रौम स गुरु नमः। साथ ही साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जरूर जाप करें, प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, काफी लाभ होगा आपको। तो ये रहा मेरा बृहस्पति के पूरे साल का ट्रांजिट मेष राशि के लिए। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
दो तीन दिन के बाद वृषभ राशि को क्या क्या बृहस्पति देव रिजल्ट देंगे, जबकि वृषभ राशि वाले के लिए बृहस्पति अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, तो कैसे रिजल्ट देंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।